मसाले वाली चाय नहीं है, अदरक वाली है। टिकी हो गई क्या? नहीं, सुंदरी को बोल के ना वो सुनती नहीं, काम में ध्यान नहीं, काम निपटाओ भाग जाओ नीचे। हाँ, नीचे भाग गई है। हमारा प्लान काम कर रहा है। इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है। मैं मेरे घर से तुझे फोन करूंगी और मेरे घर बुलाऊंगी। क्यों? सीधा बोलना नहीं आता क्या? बात सुन मेरी आगे। अच्छा भाई बोल। मैं तुझे हमारे घर बुलाऊंगी और तू इनकार करे, बार बार इनकार करेगी, तो मैं तुझे फोर्स करके आने के लिए बोलूंगी, तू तैयार हो जाएगी। क्यों, मैं तेरे घर पे क्यों आएगी भाई? अरे तू सवाल क्यों पूछ रहे, मेरा प्लान तो सुन। अच्छा भाई तू बोलने जल्दी। तू मेरे घर आएगी, हम दोनों मिलके ये दोनों के रिश्ते की बात चलाएंगे। तो तू बोलेगी, देखो तुम्हारी तेजू को एक हफ्ते के लिए हमारे घर आना होगा। मैं पूछूंगी क्यों, तो तू बोलेगी तुम्हारी तेजू हमारे घर आएगी ताकि उसको गुजराती रहन सहन संस्कार मालूम हो जाएगा। फिर जाके मैं बोलूंगी तुम्हारे सनी को एक हफ्ते के लिए हमारे घर आना होगा, तू तैयार हो जाएगी। फिर एक काम करेंगे, तू हमारी तेजू को इतना सता परेशान कर, मैं हमारे घर में तुम्हारे सनी को परेशान करूंगी, तकलीफें दूंगी। हम उन दोनों को इतना सताएंगे ताकि उनके दिमाग से शादी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम तुम्हारी गुजराती बहू के साथ सनी की शादी करो, हम मराठी अच्छे लड़के के साथ हमारी तेजू की शादी करेंगे। तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारा सनी और हमारी तेजू अपने आप शादी से इनकार कर देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है वो मालूम है। लेकिन लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि इसमें हमारा दोनों का हाथ है। देख मानो, ये शर्त मैंने नहीं रखी, सनी के आई ने रखी है। सनी के आई ने कहा कि तेजू हमारे घर आके रहेगी, तो मैंने सोचा अगर तेजू उनके घर पे जाके रहेगी तो हमारे घर पे सनी क्यों नहीं। तुझे क्या लगता है, तुझे ही सिर्फ तेजू का टेंशन है, मुझे नहीं? वो मेरी पोती नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं है बाबा, ये सीता गीता के साथ कैसे रह पाएगी। लेकिन आई, देख मानव, ये शर्त पूरी होगी ना तो ही तेजू और सनी की शादी हो सकती है। लेकिन लेकिन मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। हाँ, वहां रहने के बाद अगर तेजू ने ना कहा तो भी मैं आगे जाके बोलने वाली नहीं हूं। और आगे जाके हमको तेजू की भी मर्जी जानना जरूरी है कि नहीं। मैं रेडी हूँ, मैं उसके घर जाके रहने के लिए रेडी हूँ। बाबा आप चिंता मत कीजिए, आप ही की बेटी हूँ, इसे एज अ चैलेंज लूंगी और सक्सेसफुली पूरा करके दिखाऊंगी। आप ये सच है कि मैंने और सनी ने भाग के शादी करने का प्लान बनाया था, बट हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो। हमने हमारे परिवार के बारे में सोचा, हम भाग के शादी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी शादी में दोनों परिवारों की रजामंदी हो, सब लोग शामिल हो। आजी, तूने हमें मिलने से मना किया है ना,
आज ही मुझ पे भरोसा रख, हम लोग नहीं मिलेंगे। और तू देखना, मैं सनी के घर वालों का दिल जीत लूंगी और उसकी माँ का भी। अरे हाँ, वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सनी का क्या? उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है। तो उसकी चिंता मत करा जी, वो हाँ जरूर बोलेगा। इसको पता है, बराबर पता है सनी का, देख। हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो मेरी आजी का दिल जरूर जीत लेगा। भाई सुलोचना का फोन आ रहा है, वो शाम को उनके यहाँ डिनर पे जाना है ना। हाय, मैंने भी तैयारी नहीं की, मैं भी चलती हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात, तेजू ने शर्त मान ली है, जल्दी सनी भी शर्त मान लेगा। अब बस उसके यहाँ आने का इंतजार है। मैं उसे इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी, 4 दिन में यहाँ से भाग जाएगा और फिर खुद ही शादी से इनकार कर देगा। वाओ, मानव कहीं दिखाई नहीं देता। आजूबा वो मानव अंकल ऑफिस में, कुछ फॉरेन के डेलीगेट्स आए हुए थे तो एक मीटिंग के लिए रुक गए। मैं घर इसलिए आया बिकॉज वो भी यहाँ पे थी तो आना पड़ा। हॉस्टल में मुझे घर की याद आती थी, बट फ्रेंकली स्पीकिंग हॉस्टल का ना अपना अलग ही मजा है। पूर्वी, ये तुमने बनाए हैं? हाँ, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, तुम्हें पसंद आए? ठीक है, तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए भी एक बना दूंगी। हाँ थैंक यू। और बताओ अनिल, कामकाज कैसे चल रहा है? एकदम अच्छा चल रहा है मामा। बाकी मैं अनिल, तुम गरीबों की मदद करके बहुत अच्छा काम करते हो। आजकल ऐसे डॉक्टर्स ही कहाँ हैं जो अपने फायदे को छोड़कर अपने फर्ज को निभाए। नहीं मामा, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और बस उन्हीं की छवि देखकर मैं उन गरीबों की मदद करता हूँ और उन्हें थैंक्स बोलता हूँ। बस यही उसूल है मेरी जिंदगी का। रुचि, क्या चल रहा है ये? अरे कितनी बार कहा तुझे कि इतनी ज्यादा इमली खाना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मानती नहीं है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी, इसे ऐसी डांट पड़नी चाहिए। आपको पता है कोलकाता में तो मुझे भोली भाली सूरत बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल करती और बोलती थी कि इमली लेकर आ, लाख मना करने पर भी सुनती नहीं थी। आज ही मेरा मन करता था खाने को, मैं क्या करूं? मैं समझ सकती हूं। एक बात बताऊं, अर्जु के समय मुझे भी इमली खाने का बहुत मन करता था। इमली खाना, कैरी खाना बहुत अच्छा लगता था और मेरी सास ये सारी चीजें मुझसे छुपा कर रखती थी। फिर क्या, मैं तेरे आजोबा को कहती थी, वो मुझे ले जाया करते थे पानी पूरी खिलाने के लिए, और फिर वहां पानी पूरी के पानी में मैं खूब सारी इमली की चटनी डालती थी और इतने मजे लेती थी ना। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में इतनी खुशियां मिलती थी ना। आजी, अब से आपको जब भी मन करे ना पानी पूरी खाने का, तो आप अपने इस बेटे को याद करिए, मैं आपको लेकर चलूंगा पानी पूरी खिलाने के लिए। बता दो, खाना तैयार है, आइए बैठ। अर्जू जल्दी आना, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ आई, एक मिनट। ठीक है, मैं भेज दी। खाना खाने के बाद तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। अभी किसको फोन कर रही है? आई को मैंने हॉस्पिटल फोन किया था। दरअसल मुझे पूर्वी की रिपोर्ट चाहिए थी,
तो मैंने डुप्लीकेट रिपोर्ट हॉस्पिटल से मंगाई। उसी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने के लिए फोन किया था, अभी तक पहुंचा ही क्यों नहीं? आई की मेरी डुप्लीकेट रिपोर्ट्स क्यों? और क्या करती मैं? तूने मुझसे कहा कि रिपोर्ट्स घर पे, लेकिन मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे कहीं रिपोर्ट्स नहीं मिली। इसलिए मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल से डुप्लीकेट रिपोर्ट मंगा लूं। अरे वाह, आज तो एक से बढ़कर एक पकवान बने हैं, और वो भी सब पुन्नी की पसंद के। हाँ विनोद, मैंने स्पेशली पुन्नी की पसंद का ही सारा खाना बनाया। हमारी बेटी की शादी होने जा रही, पता नहीं फिर कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो हम सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगी, बस इसीलिए। अरे मंजूषा, क्यों इतना टेंशन लेती है? तेरी पुन्नी बहुत लकी है, उसे जैसा चाहिए था वैसा ही पति मिल रहा है। बचपन से उसने जितने भी सपने देखे हैं ना, वो अभी सभी पूरे होने वाले हैं। अरे ये मित्तल है ना, बहुत पैसे वाला है, दोनों हाथों से उड़ा देगा ना तो भी खत्म नहीं होने वाले। रानी बन के रहेगी, क्यों टेंशन लेती है तू? मतलब काकी, आपके कहने का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती है कि मेरी बेटी मिस्टर मित्तल से पैसों के लिए शादी कर रही है? अरे मंजूषा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बेटा। तो फिर आपके कहने का क्या मतलब था? आप जो कह रही थी ना, आपकी बातों से मुझे आपका मतलब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था और सुनाई भी दे रहा था। काकी आपने बहुत बोल लिया और बहुत सुना लिया। मैं इतनी देर से इसलिए आपकी ये बकवास बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि आप अर्जु की सास हो। लेकिन अब और नहीं काकी, मैं पुन्नी की आई हूँ। मेरी बेटी मिस्टर मित्तल से सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रही है कि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि इसलिए कर रही है कि वो मिस्टर मित्तल से बहुत प्यार करती है, और उसके इसी प्यार को देखकर हम लोग उसकी शादी मिस्टर मित्तल से कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आप है कि समझने का नाम नहीं ले रही। मेरी एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मैं अपनी मर्जी अपनी बेटी पर थोपना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी मर्जी से शादी करके जिंदगी भर दुखी रहे। इसीलिए हमने मिस्टर मित्तल की उम्र को भी नजरअंदाज कर दिया। आइए आपको बात समझ में। मंजू अब बस भी करो ना, कहाँ की बात कहाँ लेकर गई तू? आई मैं बेवकूफ नहीं हूँ, इनकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। आई ये औरत मीठी छुरी की तरह वार कर रही है और आप समझ ही नहीं रही इनकी बातों को। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तेरी सोच ही कुछ अलग है। सामने वाला जो सोचता भी नहीं ना, तू समझ भी लेती है ऐसी फालतू की चीजों में ना? आई आई प्लीज शांत हो जाइए ना। अब क्यों शांत रहू मैं, क्यों शांत रहू? यह औरत हमें घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है, हमारा इंसल्ट करती है, क्यों बर्दाश्त करूं मैं? इसे ना किसी को रोकना चाहिए। और मंजूषा, तुझे अपने किसी भी फैसले की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे आज से नहीं पहचानती, अर्चना और मानव की शादी होने के पहले से पहचानती हूँ। मेरा अगर दिल करे ना तो मैं भी मुंह खोल सकती हूँ, लेकिन मैंने मुंह खोला नहीं। तू भी एक बेटी की माँ है, बेटी जब अपने घर जाती है तब माँ पर क्या गुजरती है, इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुंह बंद रखा है। अरे मेरी भी एक बेटी है, तीन तीन पोतियां है, तूने जो देखा नहीं ना उससे मैं गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं किसी भी औरत के जज्बातों का मजाक नहीं उड़ाती, समझी तू? मंजू, सविता ही ठीक बोल रही है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है पुन्नी का भला सोचकर कहा है। सुन सुन, अपने पति को सुन, और जरूरत लगे ना तो थोड़ी अकल भी उधार लेना उस, समझी तू?
आई प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए वहीनी भी शांत हो गई ना, वो सब भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। भाई शादी का घर है, इस तरह झगड़ना अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी पुन्नी की शादी है, हमारा सपना है कि हम पुन्नी की शादी देखें। तुम उसकी शादी को यादगार बनाने के बजाय इस तरह झगड़ेंगे तो कैसे चलेगा? अब आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए और खुशियां मनाए। एक सेकंड में देखता हूं। मिसेस पूर्विदत हैं? हाँ जी है, कहिए। सर उनकी रिपोर्ट है। थैंक यू। ओके सर। मैं लाओ मुझे दो। कौन था? आई पूर्वी की रिपोर्ट चाहिए। अब क्या करो? रिपोर्ट पढ़ते ही आई को पता चल जाएगा कि मेरी प्रेगनेंसी 6 महीने की नहीं बल्कि 7.5 महीने की है। और फिर तेरी प्रेगनेंसी 6 महीने की है। मतलब 3 महीने बाकी है। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करा लेते है ना। अपनी रिपोर्ट संभाल के रख, ठीक है? घुमाना मत इस बार। ओके तुम्हारी तबीयत ठीक है? तू इतना अपसेट क्यों लग रही हो? अरे भाई ऐसी हालत में तो जितना खुश रह सको उतना तुम्हें खुश रहना चाहिए। आफ्टर ऑल 1-1.5 महीने में तुम्हारी डिलीवरी है। मुनीर यही तो टेंशन की बात है। मेरी डिलीवरी में अभी सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है और मेरी डिलीवरी ओवी की डिलीवरी के बाद है। अभी तो जैसे तैसे आपने बात को संभाल लिया, लेकिन तब क्या होगा जब मेरी डिलीवरी ओवी से पहले हो जाएगी? क्या कहेंगे हम घर वालों को तब? You're right. आगे चलकर इस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो उन्हें हमें इस बात का सोल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा ना। पता नहीं मिश्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। होनेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिस्टी, एक रास्ता है। क्या? हमें घर और शहर छोड़ना होगा।